सो हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर रहता है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, एंड फाइनली मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो डेली लाइफ में यूज़ होता है, डेली यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम कब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुआ हो, ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ हो और वो चल रहा हो, प्रेजेंट तक चल रहा हो। दैट मीन्स कि इन अदर वर्ड कि मानकर चलो कोई 5 साल से कोई एक कार्य आप करते आ रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि आप किसी घर में रह रहे हो 5 साल से, ठीक है, अब उस एक्शन को अब 5 साल से आज तक आप रह कर आ रहे हो, तो ऐसे टाइम को बताने वाला सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट और उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव एस भी लगता है, एंड उसके बाद आपका बीन लगता है और उसके बाद वर्ब में आई एन जी मीन्स बिफोर लगता है और उसके बाद आपका पीछे ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी हैज़ बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 ईयर्स। आप यहाँ पर देख सकते हो कि वह कितने साल से काम कर रही है एक कंपनी में, 5 साल से काम कर रही है। वह जो 5 साल से काम कर रही है वो टाइम पीरियड जो है, ठीक है ना, इसी टेंस को, इसी टाइम को बताने वाला टेंस ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है, ठीक है, मतलब 5 साल पहले से वो काम कर रही है और आज तक कर रही है, ठीक है ना, तो ऐसे टाइम बताने वाला टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो दूसरा वाला एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पर, दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर्स, ठीक है ना, वो पिछले साल से इंग्लिश सीख रहा है, ठीक है ना, सीख रहा है पिछले साल से इंग्लिश सीख रहा है, दैट मीन्स कि 1 साल से सीख रहा है, ठीक है ना, पिछले साल से 1 साल पूरा, मतलब 1 साल आगे से क्या वो टाइम पीरियड जो है, काम जो है चलकर आ रहा है आज तक। तो ऐसे टेंस, ऐसे टाइम बताने वाला सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूजेस जो है, ठीक है, यूजेस कहाँ कहाँ पर रहता है। तो सबसे पहला यूजेस देखते हैं, टू एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन दैट हैज़ रिसेंटली स्टॉप्ड और जस्ट स्टॉप्ड, ठीक है, कोई ऐसे एक्शन है, ठीक है ना, ऐसे एक एक्शन है, ठीक है ना, एक कार्य है, उसकी ड्यूरेशन को बढ़ावा देने के लिए, उसको जोड़ देकर, उस एक्शन को जोड़ देने के लिए, उस मतलब वो कार्य जो है कितने समय से हुआ उसको, उसके ऊपर एम्फसिस डालने के लिए, जोड़ डालने के लिए हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। अब वो एक्शन ऐसा एक्शन है जो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, पास्ट शुरू होकर आया है और वो फिलहाल में ख़त्म हुआ है, ठीक है, जस्ट अभी ख़त्म हुआ है, इस तरीके का टाइम को, इस तरीके का एक्शन को बताने के लिए हम इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल पे, दे हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर एक इंसान था, ठीक है ना, ये इंसान क्या कर रहा था, 2 घंटे से क्या कर रहा था, वेट कर रहा था, यहाँ पर वेट कर रहा था, ठीक है, यहाँ पर वेट कर रहा था 2 घंटे से, क्या कर रहा है, आपको वेट कर रहा है, इट मीन्स अब यहाँ पर वो आ चुका है, ठीक है, कोई आ चुका है तो उसकी प्रतीक्षा जो है अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे टाइम को जब आपको बताना है तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, ठीक है। तो ऐसा एक्शन जो एक्शन अभी अभी ख़त्म हुआ, उसकी प्रतीक्षा करने का जो एक्शन कार्य जो था, ठीक है ना, उसकी जो प्रतीक्षा जो था वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। यहाँ पे कोई एक इंसान वेट कर रहा था 2 घंटे से, ठीक है, वो अभी भी ख़त्म हुआ है, इट मीन्स कि वो इंसान आ चुका है। तो अब इस एक्शन को, इस सिचुएशन को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, दूसरा वाला भी देख सकते हैं यहाँ पर, द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन ऑल द मॉर्निंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि एक एक्शन जो है, ठीक है, ये खेलने का एक्शन जो है, ठीक है, जो बच्चे जो खेल रहा था वो मॉर्निंग में खेल रहा था, ठीक है ना, मॉर्निंग में खेल रहा था, पास में खेल रहा था, यस, मॉर्निंग में खेल रहा था। और इट मीन्स कि जो ये बताने का काम हो रहा है वो मॉर्निंग के जस्ट मतलब थोड़ी समय बात हुआ है ये काम, ठीक है, थोड़ी समय बात हुआ है, तो इस वजह से जो कार्य जो है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है ना, जो एक्शन जो है अभी अभी ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके का सिचुएशन को, इस तरीके का एक्शन को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ है कि टू इंडिकेट एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट कंटिन्यूस इन टू द प्रेजेंट एंड मे कंटिन्यू इन द फ्यूचर, ठीक है, ऐसे सिचुएशन को बताने के लिए भी, ऐसे टाइम को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ये तो मेन यूज़ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कि कोई कार्य जो है वो पास्ट में यूज़ हुआ हो और वो, ठीक है, अब यहाँ पर एग्जांपल देकर बताता हूँ, यहाँ पर ये पास्ट है, ठीक है, पास्ट में यूज़ हुआ हो, वो चलते चलते प्रेजेंट तक आया है, ठीक है ना, प्रेजेंट तक आया है, एंड हो सकता है कि वो आगे फ्यूचर तक भी चलते रहेंगे, ठीक है, चलते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है ना, अब मैं पास्ट में थ्री आवर्स आगे मैं पढ़ने बैठा था, ठीक है, 3 आवर्स आगे मैं पढ़ने बैठा था, अब मैं
प्रेजेंट में भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं प्रेजेंट में बैठकर बोल रहा हूँ कि मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब हो सकता है कि पता नहीं अब मैं आगे भी पढ़ सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ, ये बात कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं आप, शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस लास्ट ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे यही एग्जांपल है, वो कितने साल से लास्ट ईयर से काम कर रही है, वो भी पास में है और वो अभी भी यहाँ पर क्या कर रही है, काम कर रही है, और हो सकता है वो आगे। तो चलिए अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या क्या रहता है। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस, कोई सीधा सीधा स्टेटमेंट है, एक कुछ आप बताते हो, आंसर करते हो, ठीक है ना। तो इसको हम अफर्मेटिव कहते हैं। और इसका एग्जांपल सॉरी इसका स्ट्रक्चर रहता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मीन्स ING, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, सब्जेक्ट में क्या है, यहाँ आई है हमारा आई, उसके बाद हैज़ हैव बीन, ठीक है, हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, ठीक है। और ये आपको आई के साथ, ठीक है, आई के साथ आपका हैव लगता है, ही सी इट के साथ आपको हैज लगता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और उसके बाद वी के साथ भी हैव लगता है, यू के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगता है, बस यहाँ पे आपको ही सी इट के साथ आपको हैज चलाना पड़ता है, ठीक है ना। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। मैं कितने समय से क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। इट मीन्स कि तो मेरा पढ़ने का टाइम पीरियड कितना है, 3 घंटा, मतलब 3 घंटा पहले से मैं उतना लंबे समय से उतना पीरियड जो टाइम पीरियड जो है 3 घंटे का टाइम पीरियड है। इट मीन्स वो पास में मैंने कार्य शुरू किया था और वो काम चलते चलते अभी तक चल रहा है, और ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। और ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव मीन्स जिसमें हम आंसर करते हैं, ठीक है। अब आंसर करते हैं और उसमें एक नेगेटिव तरीके, ये पॉजिटिव तरीके से हम आंसर करते हैं अफर्मेटिव। अब जब हम नेगेटिव तरीके से आंसर करते हैं तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर रहता है नेगेटिव बनाने के लिए, हमें सब्जेक्ट हैव हैज प्लस नॉट लगा देना होता है, उसके बाद बीन, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ING, जिसमें जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, ठीक है, ईटिंग, ये सारे आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल रहता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, शी, जैसे मैंने बताया ही सी के साथ हैज लगता है, तो शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट ईयर, अब इसका हिंदी भी यहीं पे है, उसने पिछले साल से यहाँ काम नहीं किया है, तो नहीं किया है। इट मीन्स जब आपको नहीं बोलना है, नेगेटिव बनाना है, तब आपको नॉट का प्रयोग करना है इसमें, ठीक है ना, मतलब हैज़ उसके बाद नॉट उसके बाद बीन लगता है। सो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव। सो इंटरोगेटिव हम स्पेशली क्वेश्चन अराइज करने के लिए हम इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर रहता है। इसमें आपको इसका जो हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ जो रहता है उसको आगे निकालना पड़ता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना होता है। जैसे इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, हैव दे बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप जैसे मैंने हैव आगे निकाल दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं, क्या वे तुम्हारा इंतजार 2 घंटे से कर रहे हैं, क्या वे तुम्हारा इंतज़ार 2 घंटे से कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अराइज करना है, ठीक है, मतलब कोई 2 घंटे से या 3 घंटे से, 1 साल से कोई इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पर इंतजार कर रहा है और इसमें आपको क्वेश्चन अराइज करना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है, ठीक है, ओके। अब इसमें फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव भी होता है। अब ये जो है ये इंटरोगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव तरीके से, ठीक है ना। अब नेगेटिव तरीके से भी होता है, उसे हम इंटरोगेटिव नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर देखिए, हैव हैज़ आगे इंटरोगेटिव में ऑक्सिलरी वर्ब आगे रहता है, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। अब इसका नीचे एग्जांपल देख सकते हैं, हैवंट द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, क्या कह रहा है कि हैवंट, ठीक है, हैव और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक अगर आप कंट्रैक्शन यूज़ करते हैं, हैव को एक साथ यूज़ करते तो नॉट यहीं पर लगता है, हैवंट आंट, ठीक है, लेकिन अगर आप कंट्रैक्शन यूज़ नहीं करते तो उसके बाद बीन के आगे आपको नॉट लगाना पड़ता है, हैव द चिल्ड्रन नॉट बीन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने कंट्रैक्शन यूज़ किया है, तो इस वजह से हैव और नॉट को एक साथ यूज़ किया है, हैवंट द चिल्ड्रन बीन प्लेइंग इन द गार्डन ऑल मॉर्निंग, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है हिंदी में, क्या बच्चे सुबह से बगीचे में नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, द वर्कर्स हैव बीन बिल्डिंग द हाउस फॉर मंथ्स, इसका मतलब क्या होता है कि कामगारों ने महीने से घर बना रहे हैं, ठीक है ना, कामगारों ने महीने से घर बना रहे हैं। तो दूसरा यूज़ देख सकते हैं आप, जैसे शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम ऑल डे, ठीक है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर एग्ज़ाम ऑल डे, तो इसका मतलब होता है उसने परीक्षा के लिए पूरे दिन पढ़ाई की है, ठीक है। आप उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख सकते हैं, दे हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना, उन्होंने सुबह से ट्रेन का इंतज़ार किया है या कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर वीक, ठीक है, मैं इस
प्रोजेक्ट पर हफ्तों से काम कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं इस प्रोजेक्ट पर हफ्तों से काम कर रहा हूँ। और आगे और देखिए एक और एग्जांपल, जैसे द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क सिंस आफ्टरनून, बच्चे दोपहर से पार्क में खेल रहे हैं, ठीक है। ये कुछ डेली यूज सेंटेंसेस है जो ज़्यादातर इंग्लिश में यूज़ किया जाता है, इसका आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एक लाइक जरूर दीजिए इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करके रखिए, मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही लेसन्स लेकर आता रहूँगा, ठीक है, फॉर क्लास 9 टू क्लास 12। अभी 10th का सीरीज चल रहा है और बाद में आगे भी आपको सारे ग्रामर कवर होंगे इस चैनल पे, सो स्टे ट्यून्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।